हेलो फ्रेंड्स, आपका पावर प्लांट विद राहुल में स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ फीड वाटर हीटर इन पावर प्लांट ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखते हैं, काफ़ी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं कि फीड वाटर हीटर हम लोग यूज करते क्यों है, व्हाई द फीड वाटर हीटर सिस्टम इज यूज्ड इन पावर प्लांट। डेली फीड वाटर हीटर आप एचपी हीटर यूज करते हैं एंड एलपी हीटर यूज करते हैं। ठीक है, फीड वाटर सिस्टम का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं कि फीड वाटर सिस्टम आपका कंडेंसर से सीपी होते हुए आपका ड्रेन कूलर, जीएससी कंडेंसर, एलपी हीटर 1, 2, 3 होते हुए आपका जो डायरेक्टर से आपका जो बॉयलर फीड पंप होते हुए एचपी हीटर होते हुए आपका इक्वलाइजर होते हुए ड्रम में जाता है। तो इस पूरे साइकिल को मैंने एक वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। देखिए, एचपी हीटर आपका 5A, 5B और 6A, 6B का सीरीज आप यूज करते हैं। 5A से 6A एंड 5B से 6B जाता है। और एलपी हीटर आपका टोटल 3 है, इसमें एलपी हीटर 1, 2 एंड 3 हम लोग यूज करते हैं। आखिर हम लोग एचपी हीटर या एलपी हीटर का यूज करते क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पावर प्लांट में जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रैंकाइन साइकिल पे है। आप रैंकाइन साइकिल पढ़ते हैं तो उसका एक टीएस डायग्राम आप देखिएगा, तो वहां से आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आखिर हम लोग फीड वाटर सिस्टम का हम लोग यूज करते क्यों है। ये आपका टीएस डायग्राम है, ये आपका क्या है, पंपिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे बॉयलर में हम लोग हीटिंग कर रहे हैं और ये आपका सिस्टम। एक रैंकाइन साइकिल है ये, इस रैंकाइन साइकिल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और यहां से आपको क्लियर पिक्चर बनेगा कि फिर वाटर सिस्टम का हम लोग यूज करते क्यों है। देख, ये 1 से 2 इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन प्रोसेस इन टर्बाइन, मींस आपका ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। हम लोग ज्यूम करते हैं कि टर्बाइन के अंदर जो भी स्टीम जा रहा है उसका हीट लॉस नहीं हो रहा है। यह आपका प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन प्रोसेस है टर्बाइन का। ठीक है, यहां से आपका कंडेंसर में आता है, ये आपका जो प्रोसेस है 2, 2, 3 ये आपका है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन कंडेंसर। यहां से आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर जो होता है वो पूरा का पूरा सैचुरेटेड वाटर बन जाता है और यहां से सीडब्ल्यू सिस्टम हम लोग यूज करके इस हीट को हम लोग निकालते हैं सीडब्ल्यू सिस्टम से। तो यहां से जो होता है ये आपका कंडेंसर का प्रोसेस है, कंडेंसर में आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। 3 से 4 जो होता है ये आपका पंपिंग प्रोसेस है। पंपिंग प्रोसेस जैसे हम लोग सीपी का यूज करते हैं, सीपी से होते हुए आपका बॉयलर फीड पंप सिस्टम यूज करते हुए हम लोग बॉयलर में भेजते हैं। आपका जो बॉयलर में जो वाटर जो इंटर करता है वो 4th पॉइंट पे इंटर करता है और यहां से हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग प्रोसेस करते हैं। तो बॉयलर में जो हीटिंग प्रोसेस जो कर रहे हैं वो 3 स्टेज में करते हैं। ये आपका क्या है, सब कूलिंग जोन ये आपका क्या है, आपका इकोनोमाइजर जोन, ये आपका इकोनोमाइजर जोन है और ये आपका क्या है, सुपर हीटर जोन है। ठीक है, अब 3 स्टेज में हम लोग हीट एडिशन करते हैं। यहां से जो 4 से 1 जो जा रहा है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन बॉयलर। ठीक है, 4 से आप इसको भी नॉमिनिकलेचर कर दीजिए 5 एंड 6। 4 से 5 जो होता है वो आपका सब कूलिंग जोन होता है, मींस आपका यहां पे सैचुरेटेड वाटर कंप्लीट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा हीट करके सैचुरेटेड वाटर आपका 5 पॉइंट पे बनता है। 5 से 6 आपका क्या है, इकोनोमाइजर जोन है जहां से आपका वाटर स्टीम का मिक्सचर होता है और 6 पॉइंट पे आपका कंप्लीट सैचुरेटेड स्टीम बन जाता है और यहां से भी 6 से 1 जो होता है वो सुपर हीटेड जोन होता है जहां पे हम लोग प्लेटेन डिविजनल और LTSS में हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मेन क्या होता है कि हम लोग फीड वाटर सिस्टम का हम लोग फीड वाटर हीटर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। जब फीड वाटर सिस्टम का हम लोग यूज करने के पीछे रीजन ये है कि अभी नॉर्मल में जब हम लोग फीड वाटर हीटर हम लोग यूज नहीं करते हैं
बॉयलर में जो वाटर इंटर करता है वो 4 पॉइंट पे इंटर करता है, और 4 पॉइंट पे जो हीट जो वाटर है इसको सेचुरेटेड वाटर बनाने में हमको इतना हीटिंग करना पड़ जाता है 4 से 5 में। और ये जो हीटिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेबल हीटिंग, 4 से 5 हीटिंग करने में आपको क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोल्ड कंजम्पशन होता है। बहुत ज्यादा कोल्ड कंजम्पशन होने के बाद भी आपका हीट एडिशन उतना नहीं होता है, क्योंकि आपका ये वाटर बहुत ठंडा वाटर है। इसको हम लोग थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, हीट करने के बाद आपका 5 पॉइंट पे आता है, और 5 से 6 जो होता है यहाँ पे लेटेंट हीट एडिशन होता है। सबसे ज्यादा जो हीट एडिशन जो होता है वो आपका लेटेंट हीट में यहाँ पे होता है, और फिर 6 से 1 जो होता है ये आपका सेंसेबल हीट जोन होता है। तो 4 से 5 में जो हीट एडिशन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इस कारण से आपका क्या होता है इस पूरा साइकिल का जो एफिशिएंसी डिक्रीज करता है, आपका हीट रेट इंक्रीज होता है। आपको हीट रेट को ऑप्टिमम, जितना कम से कम आप हीट रेट को रखेगा उतना ज्यादा आपका एफिशिएंसी साइकिल का बढ़ेगा। तो कोशिश ये रहता है कि बॉयलर में जो वाटर इंटर करे वो 4 पॉइंट पे इंटर ना करके 5 पॉइंट पे इंटर करे, ताकि आपको जो इस जोन में जो हीट एडिशन हो वहां पर हीट एडिशन आपको बॉयलर में ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग फ्री वाटर सिस्टम का यूज करते हैं, और फ्री वाटर सिस्टम में क्या करते हैं कि टरबाइन से स्टीम को, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ टरबाइन से स्टीम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस स्टीम का हम लोग यूज करते हैं यहां से यहां तक के वाटर को हीट करने में, ताकि आपका इकोनोमाइजर में जो वाटर इंटर करे वो डायरेक्ट 5 पॉइंट पे इंटर करे, ताकि आपको जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हो वो इंक्रीज मिले। तो हम लोग फ्री वाटर हीटर का सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग वाटर को यहाँ पे इंटर ना करके हम लोग यहाँ पे इंटर करवाते हैं, और यहाँ से हम लोग बॉयलर में हीटिंग करना शुरू करते हैं, ताकि इसका मेरा हीट रेट कम मिले, बॉयलर का एफिशिएंसी भी ज्यादा मिले। ठीक है, तो फ्री वाटर हीटर में हम लोग सोर्स कहाँ पे लेते हैं, वो आपका सोर्स है टर्बाइन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से हम लोग स्टीम को लेते हैं, और वहां से हम लोग हीटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग रेज कर सकते हैं कि टर्बाइन से जो हम लोग स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस स्टीम से कुछ वर्क डन तो हो सकता था, तो वर्क डन का तो नुकसान हुआ, यस वर्क डन का नुकसान आपका हो रहा है, बट उसके कंपेयर्ड में आपका जो हीट रेट जो है वो आपको कम हो रहा है। तो अगर आप दोनों कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि फ्री वाटर हीटर सिस्टम से भले ही वर्क डन का नुकसान हो रहा है, बट आपका जो हीट एडिशन जो यहां से यहां करने में हो रहा है वो आपको यहां डायरेक्ट बॉयलर में यहां पे हीट एडिशन करना पड़ रहा है, और यहां से जो आपको जो हीट रेट जो है बॉयलर का वो आपको कम मिलता है, इसलिए हम लोग फ्री वाटर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं।